हेलो दोस्तों, आज हम मटन की करी बनाएंगे और उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए हम एक के बाद एक आपको बताएंगे। तो पहले हमने गैस को ऑन कर लिया है और कुकर को बैठाया है और तेल भी मस्टर्ड ऑयल सोरिस का तेल हम ले रहे हैं। आधा कप तेल लिए हैं और मटन हमारा 1 किलो है और हमने तेल में अभी जीरा को डाला है और जीरा अच्छे से चटक गया है और अभी हम प्याज को डालेंगे। और प्याज को अच्छे से हम भूनेंगे और जो अच्छे से भूनने के बाद इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसमें मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। इसे अच्छे से चलाएंगे और गैस को हमने लो में रखा है। फिर हल्दी, और फिर हमने जीरा पाउडर भी डाला है 1 चम्मच और धनिया भी डाला है 2 चम्मच। तो ऐसे ही चलाना है लहसुन और अदरक का जो पेस्ट हमने किया था उसी कटोरे में थोड़ा सा पानी लेके इसमें फिर डालेंगे और डालने के बाद इसे फिर से चलाएंगे और गैस को हाई में रखेंगे। 5 मिनट इसे ऐसे ही भूनना है जैसे मसाला बर्तन में ना लगे और अच्छे से पक जाए। और इसमें हमने टमाटर डाला है, तो टमाटर को पूरा नहीं काटा है, देख सकते हैं एकदम उसको पूरा थोड़ा थोड़ा सा ही काटा है और उसे ऐसे ही चलाएंगे। फिर इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे हम, इसमें 3 चम्मच डालेंगे। और ये रेसिपी मेरी सासू माँ बना रही हैं, उनके हाथों का खाना बहुत टेस्टी है। आप इसे घर में ट्राई करोगे तो आपको जल्दी बहुत अच्छा लगेगा। इसे हम 5 मिनट के लिए थोड़ा ढक देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। और इसमें हमने मटन को डाल दिया है और जो चर्बी है उसे हमने रख छोड़ा है, उसे लास्ट में डालेंगे, बाद में डालेंगे, नहीं तो सारा पिघल जाएगा। तो इसे डाल के हमें अच्छे से मसाले के साथ मिलाना है। और पहले से ही हमने 2 प्याज को, बड़े बड़े प्याज को काट के डाला था और फिर सारा मटन को डालने के बाद इसमें हम और थोड़ा प्याज को ऐसे बड़े बड़े करके डालेंगे ताकि ये अच्छा लगेगा और गाढ़ा होगा, इसका जो रस बनाएंगे वो गाढ़ा होगा और बहुत टेस्टी होता है। और इसमें एक स्पेशल मसाला डाला जा रहा है 1 चम्मच और ये है वो मसाला, स्वस्तिक कंपनी का नॉन वेज करी मसाला जो आसानी से बाज़ार में मिल जाता है, उस मसाले का 1 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं। उस पेस्ट को डाल के हम इसे अच्छे से मिला देंगे। इसमें हम चिकन मसाला डाल रहे हैं, सॉरी मीट मसाला डाल रहे हैं, 1.5 चम्मच डालेंगे। ढक देंगे 10 मिनट के लिए, ऐसे ढक देंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन थोड़ा निकालेंगे और देखेंगे कि कैसा हुआ है। तो देख सकते हैं कि थोड़ा पानी निकल रहा है मटन का, इसे अच्छे से थोड़ा चलाएंगे और फिर कुछ टाइम के लिए फिर हम इसे ढक के रख देंगे, मिनिमम 5 से 10 मिनट। पाँच मिनट के बाद हम फिर से ढक्कन निकाल के देखेंगे। अभी तक देख रहे हैं पानी है, थोड़ा चला देंगे जैसे कि नीचे ना लगे। देख रहे हैं पानी
काफ़ी हद तक सूख गया है। फिर हम थोड़ी देर के लिए इसे फिर से ढक देंगे और इसमें हम एक कटोरी पानी डालेंगे और हम ये थोड़ा पानी पानी करेंगे और फिर इसको ढक देंगे। कुकर को हमने ढक दिया है अच्छे से और इसे सीटी आने तक वेट करेंगे। कुकर में हम 4 सीटी लगाएंगे। गैस को हम ऑफ कर देंगे और हमारा मटन करी रेडी है। और हमारा मटन खाने के लिए एकदम रेडी है। इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ज़रूर बनाइए खाना।